नजरीन करम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तीन खूबियाँ ऐसी हैं कि जिस शख्स में वो हों उसकी ज़िंदगी का लुत्फ़ और मज़ा हासिल नहीं होता, कीना, हसद और बदखलकी। नजरीन करम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बेशक तेरी उम्र चंद गिने चुने सांस हैं और उन पर एक निगेबान मुकर्रर है जो उनको शुमार करता रहता है। और आप फरमाते हैं, जब आदमी 40 बरस का हो जाए तो कमाल कुव्वत और ताकत को पहुंच जाता है। नजरीन कराम, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान उस जिंदगी पर किस तरह खुश होता है जो घंटों के गुजरने से घटती है, और उस जिस्म की सलामती पर क्यों मगरूर होता है जो जहां भर की आफतों का निशाना है। और आप फरमाते हैं, जब तेरे स्याह बाल सफेद हो गए तो जिंदगी का मजा जाता रहा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिंदगी का लुत्फ़ मज़ा अमन और बेफिक्री से हासिल होता है। और आप फरमाते हैं, जिसकी उम्र दराज हो जाती है उसे अपने रिश्तेदारों और अजीजों को ना पाने का सदमा पेश आता है। नज़रीन करम, मौला अली फरमाते हैं, इंसान अपनी जबान के नीचे पोशीदा है, जब तक न बोले उसकी अलमियत और हकीकत पोशीदा रहती है। और आप फरमाते हैं, जबान से निकला हुआ एक लफ्ज इंसान से नेमतों को छीन सकता है। नजरीन करम, मौला अली फरमाते हैं, दो अमल नहायत आला और अफजल हैं, अकल और जबान। और आप फरमाते हैं, अकल से इंसान खुद मुस्तफीद होता है और जबान के जरिए दूसरों को फायदा पहुंचाता है। नजरीन करम, हजरत अली फरमाते हैं, बेशक तेरी जबान तुझसे वो बातें करवाना चाहती है जिनका तूने उसे आदि बना रखा है। और आप फरमाते हैं, जिस शख्स की जबान शीरी और मीठी होती है उसके भाई और दोस्त ज्यादा होते हैं। नजरीन करम, मौला अली फरमाते हैं, जो शख्स अपनी जबान को काबू में रखते हैं गमों से हमेशा बचे रहते हैं। और आप फरमाते हैं, जो शख्स अपनी जबान से नाशायस्ता बातें कहता है वो अपने कानों से गलत बातें भी सुनता है। नजरीन करम, मौला अली फरमाते हैं, जिस शख्स का बोल खराब होता है उसका नसीब भी खराब हो जाता है। और आप फरमाते हैं, जो शख्स लोगों को ज्यादा पसंद करता है और ज्यादा बातें करता है वो गम में मुब्तिला रहता है। नजरीन करम, मौला अली फरमाते हैं, जो शख्स अपनी जबान को दुरुस्त रखता है वो अपनी अक्ल को कुव्वत पहुंचाता है। और आप फरमाते हैं, जबान इंसान की लियाकत का तराजू और झूठा बोल उसकी जबान का ऐब और नक्स है। नजरीन करम, मौला अली फरमाते हैं, सच्ची जबान इंसान की जीनत और इज्जत का जरिया है। और आप फरमाते हैं, जबान एक सरकश घोड़ा है और बुराई अपने सवार यानी बुराई करने वाले को मुंह के बल गिरा देती है। नजरीन करम, मौला अली फरमाते हैं, जबान एक दरिंदा की मिसल है, अगर तू उसे खुला छोड़ देगा तो काट खाएगी। और आप फरमाते हैं, कलाम बलीग वो कलाम है जो जबान से आसानी के साथ निकले और तबीयत पर दुश्वार न हो। मौला अली फरमाते हैं, जबान अकल की तर्जमान और पाकदामनी जवां मर्दी की जड़ है। और आप फरमाते हैं, इंसान की काबिलियत उसकी जबान के नीचे पोशीदा है। नजरीन करम, अल्लाह ताला का ये मुबारक नाम अल वहाबो, बुध के रोज गुसल करके दो रकात नमाज नफल पढ़ें और ये इसमें 1000 बार पढ़ें, जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो पूरा हो जाएगा। उम्मीद है एमयू प्रोडक्शन की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतों के साए में रखे। आप सबकी दिली ख्वाहिशात पूरी हों, आप सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी हों, आपके रिस्क में बरकत हो, माल में बरकत हो, औलाद में बरकत हो। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। जजाकल्ला जजाकल्ला।